प्रदेश की पहली महिला पायलट के लिए सानिया मिर्जा चुनी गई हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाली सानिया ने कहा कि हिंदी मीडियम वाले भी मुकाम पा सकते हैं, इरादा पक्का होना चाहिए। सदर तहसील क्षेत्र के जसोवर गांव निवासी सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम गर्ल और प्रदेश की पहली फाइटर पायलट के चयन किया गया है। टीवी मैकेनिक शहीद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा पास कर यह मुकाम हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला है जो फाइटर पायलट में जगह बनाया है। 27 दिसंबर को वह पुणे में ज्वाइनिंग कर अपने सपनों की उड़ान को पंख लगाकर मंजिल को प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से हिंदी मीडियम शिक्षा ग्रहण कर पायलट बनने का सपना देखा और उसे हासिल कर दिखाया। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। अपनी प्रतिभा और जुनून के बल पर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव जसोवर निवासी टीवी मैकेनिक की बेटी ने जिला ही नहीं प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। सानिया मिर्जा वायुसेना के फाइटर पायलट पर चयनित हुई हैं। बेटी के इस मुकाम पर पहुंचने पर माता पिता के साथ ही गांव वाले भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सानिया मिर्जा देश की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी से प्रेरित होकर यह मुकाम हासिल किया है। पहली बार सानिया मिर्जा को परीक्षा में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार में उन्हें सफलता मिली। सानिया देश की दूसरी लड़की है जिसका चयन फाइटर पायलट के रूप में हुआ है। सानिया ने बताया कि देश की पहली फाइटर पायलट महिला अवनी चतुर्वेदी से प्रेरित होकर मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद ही मन बना लिया था कि मुझे फाइटर पायलट बनना है। कहा कि सब कुछ इंग्लिश में होने के बाद भी यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम की पढ़ाई करने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं हुई है। कहा जाता है कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले ही बच्चे एनडीए में सफलता पाते हैं, मगर हमने वह हासिल करके दिखा दिया कि यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे एनडीए पास कर सकते हैं। सानिया ने प्राइमरी से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई गांव के ही पंडित चिंतामणि डुबे इंटर कॉलेज से की। इसके बाद उसका दाखिला नगर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुआ। 12वीं यूपी बोर्ड में वह जिले की टॉपर रही। इसके बाद सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से तैयारी आरंभ किया। अब सफलता मिली है। बताया कि एक दिन से पहले ज्वाइनिंग लेटर आया है, 27 को पुणे में जाकर ज्वाइन करना है। सानिया मिर्जा ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ ही सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को देती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 की परीक्षा में कुल महिला और पुरुष मिलाकर कुल 400 सीटें थीं, जिसमें महिलाओं के लिए 19 सीटें थीं और उसमें से 2 सीट फाइटर पायलट के लिए आरक्षित थी। इन्हीं 2 सीटों में अपनी प्रतिभा के बल पर सानिया जगह पाने में कामयाब रही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैंने एनडीए 149th कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27th ऑफ दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वॉज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं, और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी, तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो जो आज की गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सिलेक्टेड हुई। कैसा लग रहा है अंदर से, कितनी खुशी है आपको? देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखे। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं
अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरली लड़कियाँ ट्वेल्थ करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। ये तो हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग कभी ये सब नहीं कर पाए, पर हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान सपना सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बच्ची ने अपनी माँ का इज्जत रख लिया, अपनी माँ को वो हर एक चीज़ से, हमारी बच्ची ने हर एक चीज़ से बचा लिया। और साथ ही साथ एक लेडीज़, एक गर्ल, हर लोगों को ये अपना शिक्षा दे दिया कि हाँ एक गांव की बच्ची, ऐसे घर की बच्ची, ऐसे परिवार की बच्ची जहाँ जिस बच्ची को कोई भी नहीं जानता इस गांव से, उसने इतना बड़ा काम किया, भगवान उसे हर भला से बचाए और इसी तरह अपना नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। कितनी कठिनाइयाँ हुई पढ़ाने में, क्या क्या समस्याएं आईं, कुछ ऐसी समस्याएं आईं जो कुछ या कुछ कुछ लोगों ने कुछ कहा, कितनी कठिनाइयाँ आई? अब कठिनाई को हम क्या कह सकते हैं, कठिनाई तो आती ही है, पर जब अच्छा कुछ हो जाता है तो कठिनाई इंसान भूल जाता है, पीछे छोड़ देता है। हम भी बस इसी तरह पीछे सब छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी बच्ची जब वो कर ले गई और आगे भी सब कुछ वो अपना करे, वो अच्छे से सब कुछ फाइटर अफसर बने, सब कुछ कर ले जाए, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी बच्ची के लिए। और जो कठिनाई हुई उसके बारे में हम क्या कहेंगे।